नमस्कार दोस्तों, जीसीटी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपने पिछली क्लास में जीवाणुओं के बारे में पढ़ा, फिर विषाणुओं के बारे में पढ़ा और विषाणुओं के इंट्रोडक्शन के बारे में अपने अध्ययन कर लिया था। उसके बाद में अब क्लास आती है जीवाणु उसके विषाणुओं के वर्गीकरण की। अब दोस्तों अपन पढ़ेंगे विषाणुओं के वर्गीकरण के बारे में। हाँ, आज का अपना टॉपिक है विषाणुओं का वर्गीकरण। क्या टॉपिक है दोस्तों? विषाणुओं का वर्गीकरण। हाँ जी दोस्त, आ जाइए। विषाणुओं का वर्गीकरण में इसको विषाणुओं को किस समूह में रखा? एकेरियोटा में। कौन से समूह में रखा दोस्तों? एकेरियोटा में रखा। नेक्स्ट, इसका फाइलम क्या है? वायरा में। और इसका फाइलम किस किस में रखा? वायरा में। सम्मिलित किया किसको दोस्तों? विषाणुओं को। नेक्स्ट है, परंपरागत वर्गीकरण के अनुसार इसमें रोगों के नाम के बाद विषाणु शब्द जोड़ते थे दोस्तों। जो परंपरागत वर्गीकरण था उसमें क्या करते थे? रोग के बाद, जैसे मान लो कोई विषाणु है जैसे टोबेगो मोजेक वायरस, तो उसके यानी तंबाकू मोजेक विषाणु लास्ट में क्या लिखा जाता था? विषाणु लिखा जाता था। जैसे एग्जाम्पल आ गया तंबाकू मोजेक विषाणु, जिसे क्या कहते हैं? TMV, टोबैको मोजेक वायरस। नेक्स्ट है, परपोषी प्रास रोगिक महामारी के व्यकृत लक्षणों के आधार पर चार वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया? चार वर्गों में। किस किस के आधार पर? परपोषी की प्रास के आधार पर, रोगिक के आधार पर यानी जिसमें ये रोग उत्पन्न करेंगे, महामारी के आधार पर, और इनमें जो विकृत लक्षण पाए जाते हैं उनके आधार पर। इन्हें क्या कितने भागों बांटा गया? चार भागों में। कौन से वर्गीकरण के अनुसार? परंपरागत वर्गीकरण के अनुसार। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें फर्स्ट आ जाएगा पादप विषाणु। क्या आ जाएगा दोस्तों? पादप विषाणु। पादपों को इसमें क्या, ओनली एक पादप विषाणु क्या करेंगे? सिर्फ पादपों को संक्रमित करने का कार्य करेंगे। नेक्स्ट है, इसमें जीवाणु भोजी जो कैसे होंगे? जीवाणु भोजी होंगे, शैवाल विषाणु होंगे, शैवालों में रोग उत्पन्न करेंगे, कवकीय विषाणु कवकों में रोग उत्पन्न करेंगे, और जीवाणु भोजी विषाणु यानी जीवाणुओं को, जीवाणुओं के अंदर रहने वाले विषाणु। दूसरा, अकशेरुकी विषाणु। ऐसे विषाणु जो अकशेरुक जंतुओं को संक्रमित करते हैं अकशेरुक विषाणु कहलाते हैं। अकशेरुक यानी जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, यानी नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है। इसी के विपरीत थर्ड है कशेरुक विषाणु, वे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। कौन से जंतु होंगे? कशेरुक। और इन जंतुओं में पाए जाने वाले विषाणु कौन से होंगे? कशेरुक विषाणु, जो किसको रोग रोगित करेंगे? सिर्फ कशेरुक जंतुओं को रोग से ग्रसित करेंगे यानी संक्रमित करेंगे। नेक्स्ट है द्वैत परपोषी विषाणु, वे विषाणु जो दो विभिन्न परपोषियों पर प्रसारित होते हैं, यानी अलग अलग जीवों के ऊपर वो क्या करते हैं? फैलते हैं, यानी एक बार एक परपोषी के ऊपर रह गए, फिर नेक्स्ट टाइम दूसरे परपोषी के ऊपर ये चले जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है होम्स। होम्स ने 1948 में बताया कि इन्होंने बर्गेज मैनुअल में द्विनाम पद्धति के आधार पर विषाणुओं का नामकरण किया। किस नाम के आधार पर? द्विनाम पद्धति के आधार पर। पहला है गण। गण है वायरल्स को तीन उपगणों में विभाजित किया इन्होंने, यानी गण वायरल्स को तीन उपगणों में विभाजित किया। फर्स्ट है फेगेनी, नेक्स्ट जुफेगेनी और फाइटोफेगेनी। फेगेनी, जुफेगेनी और फाइटोफेगेनी। फेगेनी में क्या है? जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले विषाणु, वे विषाणु जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, उन्हें किस गण में रखा? फेगेनी गण में रखा दोस्तों। नेक्स्ट है जुफेगेनी गण, इसमें मनुष्य व जंतुओं में रोग उत्पन्न करने वाले विषाणुओं को रखा जाता है, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस वगैरह। ये क्या है? मनुष्य को क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है फाइटोफेगिनी, पादपों में रोग उत्पन्न करने वाले विषाणुओं को किसमें रखा दोस्तों? फाइटोफेगिनी गण में रखा। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है लॉ फॉर्नी तथा टर्नियर 1962 ने, इन्होंने क्या दिया 1962 में, इन्होंने वर्गीकरण दिया परंपरागत वर्गीकरण के बाद में, किस आधार पर वर्गीकरण दिया, इन्होंने सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी से विषाणुओं को देखा और फिर इनके बारे में क्या किया, अध्ययन किया। और कौन से सूक्ष्मदर्शी काम में ली इन्होंने, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। वर्गीकरण की नई पद्धति बताई कब, 1962 में इन्होंने, और किस आधार पर, फर्स्ट है आनुवांशिक पदार्थ, सममिति, आनुवांशिक पदार्थ कौन कौन से हो गए, आरएनए, आरएनए डीएनए, ये क्या हो गए आनुवांशिक पदार्थ, सममिति यानी इसकी सममिति कैसी है, सिमेट्री कैसी है, फिर न्यूक्लियो कैप्सिड यानी इनके ऊपर न्यूक्लिक न्यूक्लियो प्रोटीन का कैसा आवरण पाया जाएगा, फिर इनके विश्लेषणात्मक आंकड़ों के आधार पर क्या बताया, वर्गीकरण बताया। फर्स्ट है संघ, इन्हें वायरसों किस संघ में रखा, वायरा संघ में, किस संघ में रखा दोस्तों, वायरा, वायरा को फिर दो उपसंघों में बांटा, पहला है डी ऑक्सी वायरा, फर्स्ट है कौन सा डी ऑक्सी वायरा, और दूसरा है राइबो सी वायरा। डी ऑक्सी राइबा में कौन से आनुवांशिक पदार्थों में, डीएनए के रूप में आनुवांशिक पदार्थ पाया जाएगा, उन्हें किस में रखा, डी ऑक्सी वायरा में। जिन विषाणुओं में डीएनए के रूप में आनुवांशिक पदार्थ पाया गया उनको किस में रखा दोस्तों, डी ऑक्सी वायरा। और जिन जीवाणु जिन विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ आरएनए के रूप में पाया जाता है उन्हें किस में रखा, राइबोसी वायरा में, राइबोसी वायरा में। नेक्स्ट है संवर्ग या जिसे अपन बोलते हैं क्लास, डीऑक्सी वायरा को इन्होंने तीन क्लासों में बांटा, फर्स्ट है कुंडलीदार विषाणु, फर्स्ट है कुंडलीदार विषाणु, नेक्स्ट है घनाभ विषाणु और बाइनल विषाणु। कुंडलित विषाणु में गण है आवरण युक्त विषाणु, आवरण युक्त यानी इनके ऊपर कैप्सिड का क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है। कुल है पॉक्स विरिडी, कुल कौन सा है दोस्तों, पॉक्स विरिडी, पॉक्स विरिडी। नेक्स्ट है घनाभ विषाणु, आपको इधर कर देता हूं एक बार, हाँ घनाभ विषाणु, आवरण आवरण रहित विषाणु यानी वे विषाणु जिनके ऊपर कोई आवरण नहीं पाया जाता है, इसमें कुल है माइक्रो विरिडी, पर्पो विरिस विरिडी, टेपिलो विरिडी, एडेनो विरिडी, इरिडो विरिडी, इनो विरिडी, और इसी में है आवरण अनावृत विषाणु हो गए ये, और आवरण युक्त विषाणु हो गया एकमात्र हर्पिस विरिडी। और बाइनल विषाणु की बात करें तो इसमें आवरण आवरण रहित विषाणु, और इसमें एक ही कुल है फेगो विरिडी, कौन सा कुल है एक ही, फेगो विरिडी। नेक्स्ट है राइबोसिवायरा, राइबोसिवायरा, राइबोसिवायरा में कौन से आनुवांशिक पदार्थ किस रूप में होगा, आरएनए के रूप में, सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड। और इसमें क्लास कौन सी होगी दोस्तों, दो क्लासों में बांटा, कुंडलीदार विषाणु और घनाभ विषाणु, फर्स्ट है कुंडलीदार विषाणु, कुंडलीदार विषाणु को दो गणों में बांटा, छड़नुमा और छड़नुमा में गणा गया, और घनाभ विषाणु यानी आवरण रहित विषाणु। हाँ अब गण गण के बाद में इन्होंने उपगण छड़नुमा विषाणु को उपगणों में बांटा, फिर है इसमें फर्स्ट है दृढ़ आकारिकीय विषाणु, कौन सा है दृढ़ आकारिकीय विषाणु, दूसरा है नम्य प्रकार के विषाणु, फर्स्ट कौन सा है दृढ़ आकारिकीय यानी जिनका आकार कैसा होगा, दृढ़ होगा, सघन होगा, दृढ़ आकारिकीय विषाणु होंगे, और दूसरा जो नम्य होंगे कैसे, नम्य यानी कोमल। नेक्स्ट है दृढ़ आकारी के विषाणु में कुल कौन सा हो गया, डोलिको विरिडी, डोलिको विरिडी, प्रोटो विरिडी, पैकाई विरिडी, इसमें दृढ़ आकारी के विषाणु में। अब नम्य विषाणु में तीन कुलों को रखा, मिसो विरिडी, लेप्टो विरिडी और एडेरो विरिडी। गण है आवरण युक्त विषाणु, घनाभ विषाणु में आवरण रहित विषाणु आ गए, नेक्स्ट है इसमें आवरण युक्त विषाणु, आवरण युक्त विषाणुओं में मिक्सो विरिडी, पेरामिक्सो विरिडी और स्टोमेटा विरिडी। नेक्स्ट है हाँ विषाणुओं का गुणन अथवा प्रतिकृति यानी विषाणुओं का गुणन किस आधार पर होता है, इनकी प्रतिकृति
कैसे होती है, नहीं ये अपने आकार में कैसे वृद्धि करते हैं। दोस्तों अपन बात करें जीनोम की प्रकृति के आधार पर, किसके आधार पर, जीनोम यानी इनके अंदर पाए जाने वाले डीएनए या आरएनए जो आनुवांशिक पदार्थ है उस जीनोम के आधार पर। फर्स्ट है पादप विषाणु, जंतु विषाणु और जीवाणु विषाणु। जीवाणु विषाणु ये जीवाणुओं के ऊपर पाए जाते हैं, किसके ऊपर है, जीवाणुओं के ऊपर, जीवाणुओं के ऊपर पाए जाते हैं। पादप विषाणु ये नाम से पता चल रहा है, यानी पादपों में रोग उत्पन्न करने वाले विषाणु पादप विषाणु कहलाएंगे, और जंतु विषाणु यानी जंतुओं के ऊपर परपोषी के रूप में रहने वाले विषाणु जंतु विषाणु। इस अध्याय में अपन जंतु विषाणु और पादप विषाणु का अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। दोस्तों बात करें पादप विषाणुओं की, पादप विषाणुओं का गुणन कैसे होगा। पादप विषाणुओं का गुणन होगा विषाणुओं का परपोषी कोशिका में प्रवेश। विषाणुओं का परपोषी कोशिका में प्रवेश कैसे होगा दोस्तों, सर्वप्रथम वो विषाणु कैसे आएंगे, कोशिका के समीप आएंगे, यानी परपोषी कोशिका ढूंढेंगे जिसमें वो क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो और उसके साथ परपोषी के रूप में रह सके। फिर विषाणुओं का प्रतिकृति है ने स्थल तक पहुंचना। फर्स्ट है कोशिका के पास आ गए, कोशिका के पास आएंगे तो कोशिका क्या करेगी, उसको चारों तरफ से घेर लेगी, किसको, विषाणु को, और अपने अंदर ले लेगी। अंदर लेते ही विषाणुओं के क्या, इनके कण बिखर जाएंगे, फिर ये कण क्या करेंगे, विषाणुओं की प्रतिकृति स्थल तक पहुंच जाएंगे, और प्रतिकृति स्थल तक पहुंचने के बाद क्या करेंगे, विषाणु जीनोम का अनावरण क्या होगा, विषाणु जीनोम का क्या होगा, यानी विषाणुओं के ऊपर जो आवरण पाया जाएगा वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। किसका आवरण पाया जाता है, आरएनए और प्रोटीन का आवरण पाया जाता है जो हट जाएगा। नेक्स्ट है जीनोम का प्रतिकृतियन एवं प्रोटीन का संश्लेषण। जीनोम का क्या करेगा, जो आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए या आरएनए उसका क्या करेगा, ये प्रतिकृति करेगा दोस्तों। फिर बाद में ये क्या करेगा, प्रोटीन का संश्लेषण, और प्रोटीन का संश्लेषण करना प्रारंभ कर देगा। नेक्स्ट है संक्रामक इकाई का परपोषी के भीतर व बाहर संचरण। जो संक्रामक इकाई होगी यानी बैक्टीरिया होगा वो परपोषी के शरीर के भीतर भी प्रवेश कर सकता है, और कुछ समय पश्चात ये बाहर संचरित हो जाएगा और कोशिका की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट है जंतुओं में विषाणुओं का गुणन। नेक्स्ट क्या है, जंतुओं में विषाणुओं का गुणन। फर्स्ट है संलग्न होना, फर्स्ट है संलग्न होना, ये किसी कोशिका से क्या होंगे, संलग्न होंगे, किस रूप में संलग्न होंगे, ग्राही प्रोटीन अथवा ग्लाइको प्रोटीन के साथ ये कोशिका से क्या हो जाएंगे, संलग्न हो जाएंगे। संलग्न होने के बाद ये भेदन करेंगे, किसका, कोशिका की जो सेल वॉल होगी, कोशिका की क्या होगी, सेल वॉल, जैसे ये कोई कोशिका है और ये वायरस है, इसका क्या करेंगे, ये कोशिका चारों तरफ, इसके चारों तरफ फैल गई, और इसका क्या करेंगे, भेदन करेंगे, और भेदन करके क्या, पेनिट्रेशन करके किसमें प्रवेश कर जाएंगे, कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। अंदर प्रवेश करने के बाद क्या होगा दोस्तों, विषाणुओं का क्या होगा, अनावरण होगा। विषाणुओं का क्या होगा, अनावरण होगा। अनावरण में क्या होगा, फर्स्ट सर्वप्रथम प्रोटीन कोर जो विषाणु से अलग हो जाता है, प्रोटीन कोर जो यानी प्रोटीन का आवरण पाया जाता है, विषाणुओं से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है जीनोम का प्रतिकृतियन एवं विषाणु कणों का संश्लेषण। अब जो जीनोम पदार्थ डीएनए या आरएनए, लेकिन इन जो जंतु विषाणु है इनमें कैसे कैसा होगा, डीएनए के रूप में अधिकांशतया, तो डीएनए के रूप में होगा, उसकी क्या होगी, प्रतिकृति करेगा, और प्रतिकृति करेंगे विषाणु कणों का क्या करेगा, संश्लेषण करेगा। नेक्स्ट है विषाणुओं का आर्थिक महत्व। नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों, विषाणुओं का आर्थिक महत्व। जैव प्रौद्योगिकी की तकनीक से इन्हें उपयोगी बनाया गया, जैव प्रौद्योगिकी तकनीक से इन्हें क्या किया गया, उपयोगी बनाया गया, और रिकॉम्बिनेट डीएनए पुनर्योजन डीएनए तकनीक की क्या की गई, विकसित की गई, उसमें इन्हें काम में लिया गया। फिर है जैव कीटनाशी के रूप में, यानी जीवों के कीटनाशी के रूप में भी प्रयोग किया गया विषाणुओं का। फिर है टीकों के निर्माण में विषाणुओं का, यानी टीकों के निर्माण में प्रयोग हुआ। विषाणु के जीनोम को आरडीएनए तकनीक में वाहक के रूप में प्रयोग, आरडीएनए तकनीक के रूप में यानी वाहक के रूप में प्रयोग
किया जा रहा है या प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विषाणु जनित पादप रोग। दोस्तों विषाणु जनित पादप रोग जो किसमें होंगे, सिर पे पादपों में होंगे। अपने सामने है पादप रोग, परपोषी और विषाणु का नाम, जिस विषाणु से क्या होता है रोग उत्पन्न होता है। अब पादप रोग है टोबेको मोजेक रोग, किसमें होगा, तंबाकू में होगा। परपोषी कौन है, शरीर कौन किसका है, तंबाकू का पौधा। विषाणु का नाम क्या है, टोबेको मोजेक विषाणु। नेक्स्ट है बिंडी में पित्त सीरा मोजेक। बिंडी में पित्त सीरा यानी पित्त यानी जो ऊपर की सीरा है वो क्या पड़ जाएगी, काली पड़ जाएगी या येलो येलो हो जाएगी। और परपोषी शरीर किसका है, बिंडी का। और इसे क्या कहते हैं, येलो वेन मोजेक विषाणु। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, येलो वेन मोजेक विषाणु भी कहा जाता है। नेक्स्ट है वलयित धब्बा रोग। वलयित धब्बा रोग यानी वलय के रूप में, किससे, वलय के रूप में धब्बे हो जाते हैं किसके ऊपर, किसके ऊपर, पपीता के ऊपर। पपीता जिसे क्या कहते हैं, पपाया रिंग स्पॉट विषाणु, पपाया रिंग स्पॉट विषाणु। नेक्स्ट है सिट्रस, सिट्रस ट्रिस्टेजा रोग। सिट्रस ट्रिस्टेजा रोग किसमें होगा, नींबू कुल में। नींबू कुल में कौन सा आ गया पादप, नींबू का आ गया, संतरा का आ गया, किन्नू का आ गया। और इसमें है सिट्रस सिस्ट्रेजा विषाणु। विषाणु का नाम क्या है, सिस्ट्रस ट्रिस्ट्रेजा विषाणु। नेक्स्ट है आलू में पर्ण वेलन। आलू में पर्ण वेलन यानी पत्तियां क्या हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी। ये कोई पत्ती है और ये क्या हो गया, मुड़ गया। ये देखो दोस्तों ये पत्तियां हैं और ये मुड़ गई। पर्ण वेलन रोग किसमें होगा, आलू में। पोटेटो लीफ रोल विषाणु। विषाणु का क्या नाम होगा, पोटेटो लीफ रोल विषाणु। नेक्स्ट है टमाटर में वलयित धब्बे यानी टमाटर के ऊपर, ये टमाटर है दोस्तों, इसके ऊपर क्या हो जाएंगे, वलय के रूप में धब्बे उपस्थित हो जाएंगे। वलय के रूप में धब्बे उपस्थित हो जाएंगे। पेड़ कौन सा है, टमाटर का। और रोग का नाम क्या है, टोमेटो रिंग स्पॉट विषाणु, टोमेटो रिंग स्पॉट विषाणु। नेक्स्ट है गोभी में मोजेक रोग। फूल गोभी यानी काली फ्लावर, कॉली फ्लावर मोजेक विषाणु। विषाणु का नाम क्या है, कॉली फ्लावर मोजेक विषाणु। नेक्स्ट है केले में गुच्छ शीर्ष रोग। गुच्छ शीर्ष रोग परपोषी किस कौन सा है, केला। और बन इसे क्या कहते हैं वायरस को, बनाना बंची टॉप विषाणु। बनाना बंची टॉप विषाणु किसमें होगा, केले के अंदर होगा। और रोग को क्या कहेंगे, केले में गुच्छ शीर्ष रोग। फिर है नारियल का पर्ण क्षय रोग, ये किसमें होगा, परपोषी कौन है या नारियल। और विषाणु का नाम है कोकोनट फोलियर डिके विषाणु। नेक्स्ट है मनुष्य में, मनुष्य के विषाणु जनित रोग यानी मनुष्य में होने वाले रोग। इधर है रोग और इधर है विषाणु, इन्फ्लुएंजा विषाणु और प्रभावित क्षेत्र। इन्फ्लुएंजा या फ्लू किसके कारण होगा, इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होगा। किसके कारण होगा दोस्तों, ये दोस्तों ये विषाणु है, यहाँ कौन से विषाणु, इन्फ्लुएंजा विषाणु। प्रभावित क्षेत्र क्या होगा, बुखार। क्या आ जाएगा दोस्तों, बुखार। और श्वसन तंत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रभावित होगा किसमें, इन्फ्लुएंजा या फ्लू में। जो स्वाइन फ्लू बीमारी आई थी वो इसी के कारण आई थी। नेक्स्ट है यकृत शोथ रोग। यकृत शोथ रोग बी जिसे क्या कहते हैं, हेपेटाइटिस बी। और विषाणु कौन सा है, हेपेटाइटिस बी विषाणु किसमें होता है, यकृत में। किसमें होता है, यकृत में। नेक्स्ट है इबोला रक्तस्रावी बुखार। इबोला दोस्तों नाम याद रखना, इबोला यह बीमारी सबसे ज्यादा कहाँ पे आई थी, दक्षिणी अफ्रीका में। दक्षिणी अफ्रीका में शुरुआत हुई थी इस बीमारी की, और इस विषाणु को फैलाने वाला विषाणु था इबोला विषाणु। और
क्या होता था? रक्त और समस्त शरीर पर लक्षण, यानी रक्त क्या होता है? रक्त स्राव। और नेक्स्ट है रेबीज। रेबीज ये रोग किसमें होता है? मनुष्य में ही होता है। सारे कौन से रोग है? मनुष्य में होने वाले, लेकिन होता किससे है? कुत्ते से। कुत्ते की लार में पाया जाता है, यानी एक बार अगर कुत्ता किसी को काट ले तो रेबीज रोग से मनुष्य के ग्रसित होने का खतरा 99% बढ़ जाता है। रेबीज। रेबीज विषाणु कौन सा है? रेबीज या रूबेला विषाणु। और इससे प्रभावित होगा कौन सा अंग होगा? श्वसन तंत्र प्रभावित होगा। फिर है चेचक। चेचक में कौन सा विषाणु होगा? वेरियोला विषाणु। और संपूर्ण शरीर और त्वचा पर क्या बन जाएंगे? चकते बन जाएंगे। त्वचा पर चकते बन जाएंगे, ऐसे स्पॉट स्पॉट। फिर है हर्पिस रोग। हर्पिस सिंप्लेक्स विषाणु। हर्पिस रोग किससे होता है? हर्पिस सिंप्लेक्स विषाणु से। और प्रभावित क्षेत्र कौन होंगे? विभिन्न अंग, यानी बहुत सारे अंगों के ऊपर होगा। नेक्स्ट है एड्स, एचआईवी। एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी विषाणु। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी विषाणु के द्वारा समस्त शरीर क्या होगा? समस्त शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाएगी? WBC को क्या करेगा? ये नष्ट करने का कार्य करता है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाएगी तो अन्य बीमारियां क्या हो जाएंगी? प्रभावी हो जाएंगी। और शरीर में विभिन्न रोगों का क्या हो जाएगा? संचरण हो जाएगा। और धीरे धीरे व्यक्ति की बॉडी डैमेज होने लग जाएगी। नेक्स्ट है विषाणुओं से प्राप्त होने वाले टीके। अब दोस्तों बात करते हैं विषाणुओं से कौन कौन से टीके प्राप्त किए जा सकते हैं। फर्स्ट है इधर विषाणु और उधर है प्रभावित रोग। फर्स्ट है जीवाणु, जीवित वैक्सीनिया। जीवित वैक्सीनिया, जीवित वैक्सीनिया किसका है? चेचक का। प्रभावित रोग क्या है? चेचक का। हेपेटाइटिस विषाणु किसका? पीलिया को। इसमें होता है हेपेटाइटिस यकृत में। पर रोग कौन सा है प्रभावित? पीलिया। फिर है जीवित रूबेला विषाणु, इसे क्या कहते हैं? जर्मन खसरा। इसे क्या कहते हैं? जर्मन खसरा। फिर है मृत रेबीज विषाणु। मृत रेबीज विषाणु के द्वारा कौन से रोग की रोकथाम के लिए काम में लिया गया? रेबीज के लिए। हेपेटाइटिस का किसके लिए? पीलिया के लिए। जीवित वैक्सीनिया चेचक के लिए। नेक्स्ट है जीवित यानी लीवर मम्स वायरस किसके लिए? गलसुआनी। गलसुआनी गले गला फूल जाता है, यानी थायराइड क्या हो जाता है? फूल कर मोटा हो जाता है। गलसुए रोग की रोकथाम के लिए क्या? लीवर मम्स वायरस से क्या बनाएगा? टीका बनाएगा। फिर है निष्क्रिय पोलियो विषाणु। निष्क्रिय पोलियो विषाणु यानी पोलियो के उपचार के लिए। फिर है नेक्स्ट है जीवित क्षीणीकृत विषाणु। जीवित क्षीणीकृत विषाणु यानी किसके लिए? खसरा के लिए। नेक्स्ट है विषाणुओं की सूक्ष्म संरचना। विषाणुओं की सूक्ष्म संरचना दोस्तों किसके? सर्वप्रथम विषाणुओं की सूक्ष्म संरचना किसके बारे में अध्ययन किया गया? TMB टोबेको मोजेक वायरस, तंबाकू के ऊपर। कब किया गया? 1892 में। वैज्ञानिक कौन थे? इवानोवस्की की। कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? ये रूस के रहने वाले थे। इन्होंने सर्वप्रथम 1892 में क्या खोजा? TMB वायरस खोजा। तथा स्टेनले ने इसे क्या बताया? रवेदार अवस्था में प्राप्त किया, यानी रवेदार अवस्था में प्राप्त किया। अब TMV की संरचना के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तंबाकू मोजेक विषाणु के कण क्या होते हैं? सीधे होते हैं। कण कैसे होंगे? सीधे दृढ़ नलिकाकार और छड़ नुमा होते हैं। सीधे दृढ़ नलिकाकार छड़ नुमा होते हैं। ये कैसे होते हैं? कुंडली नुमा सममिति युक्त होते हैं। कुंडली नुमा सममिति युक्त होते हैं, जो कैसे होते हैं? खोखली छड़ों के रूप में होते हैं। कैसे छड़ों के रूप में? खोखली छड़ों के रूप में होते हैं, जिनका व्यास 15 नैनोमीटर तथा लंबाई 300 नैनोमीटर लंबी होती है। ये दोस्तों आपके सामने क्या बनाया गया है? आपके सामने मैंने डायग्राम बनाया किसका? TMV
वायरस का टोबेको मोजेक वायरस, जिसकी लंबाई क्या है 300 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर, और इसका जो व्यास है इसका व्यास 15 नैनोमीटर, 15 नैनोमीटर, व्यास क्या है 15 नैनोमीटर। ये क्या है, ये कुंडली संरचना क्या है, आरएनए हेलिक्स, आरएनए की क्या है कुंडलित संरचना, आरएनए इसमें क्या है आनुवांशिक पदार्थ है, कौन सा आनुवांशिक पदार्थ है, आरएनए आनुवांशिक पदार्थ, जो कैसा होता है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, किसमें टीएमवी वायरस में, टोबेको मोजेक वायरस में। सर्वप्रथम इसको किसने खोजा, इवानोवस्की ने, कहाँ के रहने वाले थे रूस के। फिर इसको रवे की रवेदार अवस्था में किसने प्राप्त किया दोस्तों, रवेदार अवस्था में स्टेनले ने इसे क्या किया प्राप्त किया। थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ आपकी ये क्लास विषाणुओं की यही खत्म होती है। कल अपन नेक्स्ट टॉपिक जीवाणु बोजी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक यू।